ही गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। तो इस वीडियो में बताऊंगी कि ये बैलून गार्डन मैंने कैसे बनाया है। उसके लिए आपको बैलून चाहिए जो कि मैंने ईबे से बाई कर रखा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सबसे पहले मैं इसको डबल स्टफ़ करना स्टार्ट करूंगी। अगर आपको डबल स्टफ़ नहीं करना है तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप डबल स्टफ़ कर रहे हैं तो इस तरह से आप सारे बैलून तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपको सारे बैलून को इन्फ्लेट कर लेना है डिफरेंट साइज़ में, और उसके बाद आपको उसका डुप्लेट बना लेना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो बैलून हो वो डिफरेंट साइज़ के हों, लाइक 5 इंच, 10 इंच या 12 इंच, और 18 इंच ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो इस बैलून गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। डुप्लेट बनाने के बाद मैंने इस तरह से दोनों को अटैच कर दिया है और मैंने कॉर्ड बना लिया। कॉर्ड बनाने के बाद मैंने फिर से एक डुप्लेट अटैच किया है, ये छोटा सा क्लस्टर बन गया है। आप इस तरह से एक और क्लस्टर बना लीजिए और एक दूसरे को अटैच कर दीजिए बाय ग्रैबिंग लॉन्गेस्ट नेक। तो इस तरह से आपका ये जो हो जाएगा क्लस्टर, उन क्लस्टर मैंने डिटेल वीडियो कर रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दोनों क्लस्टर को आपस में जोड़ा है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या आपको दिक्कत हो रही है करने में, तो आप सिंपली असेंबल कर सकते हैं फिशिंग लाइन से, या यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग बैलून, और नहीं तो फिर आप बैलून रिबन यूज़ कर सकते हैं। उस सब के ट्यूटोरियल मैंने डिटेल में किए हुए हैं, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने लॉन्ग बैलून का यूज़ किया है, आप फिशिंग लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सारे क्लस्टर बना लिए हो तो इस तरह से आप लॉन्ग बैलून या फिशिंग लाइन से अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डुप्लेट्स और क्वाड को अटैच कर न्यू पेयर उठाया, उसको क्लस्टर के ऊपर रखा और ऊपर से घुमाते हुए नीचे की तरफ 8 फिगर बनाते हुए सेंटर पर लॉन्ग बैलून को लेके आए। तो इस तरह से आपको सारे डुप्लेट्स या क्वाड करने हैं। मैंने लॉन्ग बैलून को टाई कर दिया क्योंकि मैं उससे स्ट्रेच नहीं कर पा रही थी, और एक नया लॉन्ग बैलून मैं दोबारा टाई कर रही हूँ। तो अगर आप ये स्टेप स्किप करना चाहते हो तो आप फिशिंग लाइन यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको बार बार बांधना नहीं पड़ेगा। ना कि अटैच करना चाहते हैं तो सेम मैथड 8 फिगर मैथड ही फॉलो होगा। इसी तरह आपको सेम स्टेप रिपीट करना है और आपको जितना लेंथ चाहिए उतने तक आपको गार्लैंड बना लेना है। यहाँ मैं बैलून रिबन का यूज़ कर रही हूँ, दोनों तरफ मैंने टाई कर, टॉप और बॉटम दोनों तरफ मैंने टाई कर रखा है ताकि मैं इसको बैकड्रॉप पे हैंग कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने ये फोम बोर्ड बैकड्रॉप बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस बैकड्रॉप को मैंने स्टैंड करने के लिए फ्लोर लैम्प यूज़ किया है और ये लॉन्ग बैलून से मैंने इसको अटैच कर दिया है। ऊपर नीचे जो मैंने रिबन बांध रखे थे उसको मैं पीछे की तरफ फ्लोर लैम्प से बांध दूंगी ताकि स्टे रहे। अगर आप फ्लोर लैम्प नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप चाहो तो ये फोम बोर्ड जो बैकड्रॉप है उसके पीछे भी सेलो टेप से चिपका सकते हो। तो ये हो गया बैलून गार्लैंड हैंग। अब हम कुछ गैप्स को फिल करेंगे। देखिए आप नीचे के साइड बहुत बड़ा सा गैप दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको फिल करने के लिए मैं एक क्लस्टर, छोटा सा क्लस्टर बना के उसे ग्लू डॉट से अटैच कर दूंगी, और भी कुछ क्वाड या डुप्लेट्स थोड़े बना के अटैच कर दूँगी ताकि थोड़ा सा ये फुल सा दिखे। तो नीचे मैंने 18 इंच का बैलून भी यूज़ किया है, अगर आपके पास हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। तो कुछ और बैलून्स मैं ऐड कर रही हूँ। फिर मैं फाइनल लुक देने के लिए कुछ सिल्वर बैलून और छोटे छोटे 5 इंच बैलून का क्वाड या सिंगल या डुप्लेट बना के ऐसे ही रैंडम फिल करूँगी।
तो आपको अब जहाँ भी लगता है कि यहाँ होना चाहिए, यहाँ गैप है या यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं बैलून। देख सकते हैं आप 5 इंच बैलून और सिल्वर बैलून लगाने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। तो इस तरह से मैंने इसको फिनिश लुक दिया है। ऊपर पे मैंने एक और बड़ा 18 इंच बैलून यूज़ किया है, बट वो ऑप्शनल है। और उसके बाद ये रहा फिनिश लुक। इसके लिए मैंने करीब 100 बैलून यूज़ किए हैं, वो भी विदाउट डबल स्टफिंग एस्टिमेट है। तो ये मैंने एक और क्लस्टर बनाया है, बड़ा सा क्लस्टर, और इसे मैंने इस बैग छोटे से बैकड्रॉप पे अटैच किया है। तो इसको अटैच करने के लिए मैंने जो टॉप के बैलून आपको दिख रहे हैं ना, उस पर ग्लू गन लगा के मैंने सिंपली उसको ऊपर से अटैच कर दिया ताकि ये हिले ना। तो ये रहा फाइनल लुक। तो ये परफेक्ट है आपके होम बर्थडे डेकोरेशन के लिए, वो भी प्रोफेशनल स्टाइल। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कीजिए। पापा, पापा क्यों नहीं था? हीरो नहीं बने? पापा क्या तू हीरो बन जाए?